हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, आई डोंट नो, लेकिन आज है न्यू मून। सो न्यू मून का असर आपके रिश्ते पे क्या पड़ने वाला है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं न्यू मून पे, ये हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, शुरुआत करते हैं। चलो, जनरल रीडिंग है गाइज, हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। ओके, लेट्स सी न्यू मून का असर आपके पर्सन के और आपके रिश्ते पे क्या पड़ने वाला है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है अट्रैक्शन, 44 नंबर है। हो सकता है आपको नंबर 4, नंबर 44 या नंबर 444 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है नंबर 9 असेसिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन नंबर 17, तो ये है 8, 9, 8, तो 8888 नंबर दिख रहा होगा। पीस यहाँ पे है पीस, सो 10, 1, ये नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। और जो लास्ट कार्ड है वो है हंगर, तो ये है 29, सो 11 और 2 नंबर आपका सिग्निफिकेंट या आपके पर्सन का कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। ओके, सबसे पहले मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर आपको पाने का जुनून, आपको पाने का पैशन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त में बढ़ चुका है। वो चाहते हैं आपको पाना, वो चाहते हैं आपके साथ, यू नो दे वांट टू हैव यू, वो आपको पाना चाहते हैं, उनके ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ओके, दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्रेविंग मुझे दोनों के अंदर ही दिख रही है। आपके अंदर भी क्रेविंग है इस पर्सन को पाने की, इनके प्यार को पाने की, और उनके अंदर भी क्रेविंग है आपको पाने की, आपके प्यार को पाने की। ओके, इस न्यू मून पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि यू बोथ अ क्रेविंग फॉर ईच अदर। वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं और आप उनके लिए क्रेव कर रहे हो, बट ये चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही है, ना उन्होंने एक्सप्रेस करी है ना आपने एक्सप्रेस करी है। ओके, बट ये न्यू मून पे डेफिनेटली ये फीलिंग बढ़ रही है आपके पर्सन और आपके अंदर, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हो। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करने वाले हो। दे विल वॉन्ट टू, मैंने बोला ना आपको, उनको आपको पाने की इच्छा रहेगी, आपको उनको पाने की इच्छा रहेगी। दोनों ही कोशिश करोगे एक दूसरे के करीब आओ। फिज़िकल अट्रैक्शन भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है, एंड मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को दूर से ही देख रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं हो रही है, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं आप दोनों के बीच में। यू बोथ आर नोटिसिंग ईच अदर, आप दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो दूर से। यू बोथ आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम फार। ठीक है, वो आपको स्टॉक कर रहे हो, आप उनको स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, एंड जिससे क्या हो रहा है ना कि एक दूसरे को देख कर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्रेविंग बढ़ रही है, पैशन बढ़ रहा है। मे बी आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, देख रहे हैं आपको, दूर से ही देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है आप भी स्टॉक कर रहे हो, फॉर अ लॉट ऑफ यू आप भी स्टॉक कर रहे हो। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आप दोनों दूर हो, मे बी सिटीज़ अलग है या स्टेट्स अलग है। ठीक है, एंड फिज़िकल कॉन्टैक्ट या एक जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आप दोनों के बीच में इस वक्त नहीं है। ओके, मे बी आप दोनों देख पाते हो कहीं ऐसा जगह आप काम करते हो या रहते हो जहाँ पे कोई कोई यहाँ पे एक दूसरे को देख भी पाता है, तो उनका ध्यान पूरा आप पे है कि आप क्या कर रहे हो, कब जा रहे हो बाहर, किससे मिल रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग मिरर करते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप
काफ़ी लोग यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, एक सोल कनेक्शन में है, ठीक है। तो आप जैसा फील कर रहे हो वैसे ही एग्जैक्टली आपके पर्सन फील कर रहे हैं। या फिर कभी कभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कोई फीलिंग आउट ऑफ नोवेयर आ रही है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, एंग्जाइटी, या अचानक से इमोशनल हो जाना, तो आप दोनों मिरर कर रहे हो। कभी कभी कुछ फीलिंग जो अगर आपको आउट ऑफ नोवेयर आ रही है, तो समझ लीजिए कि यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। जैसा वो फील कर रहे वैसे ही आप फील कर रहे हो, ठीक है। या अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो आपके पर्सन वहाँ वैसा फील कर रहे होंगे। सो ये हो रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, हैप्पी रहिए, पीसफुल रहिए, तभी ही सामने वाला भी वही यू नो रिफ्लेक्ट करेगा। भले ही आप दोनों की बात नहीं हो रही है, भले ही आप दोनों दूर हो या कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, मुझे लगता है आप दोनों के अंदर एक अजीब सा सुकून है। देर इज़ अ सेंस ऑफ पीस विद इन बोथ ऑफ यू, ठीक है, जो आप दोनों ही फील कर पा रहे होंगे। आपके पर्सन भी जब भी आपके बारे में सोचते हैं सुकून फील कर पाते हैं, पीसफुल फील करते हैं, ओके। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड से थोड़ा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन से कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। लेट्स सी एंड बी यूजिंग दिस डेक। चलिए देखते हैं हंगर ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। हंगर ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, प्लीज बताइए। हंगर ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। पहला कार्ड जो आया है वो है फोर ऑफ कप्स, यस। एंड बॉटम डेक में एट ऑफ पेंटिकल्स है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। देखिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन की अब बहुत इच्छा हो रही है कि वो इस कनेक्शन पे काम करे, वो आपके साथ वक्त बिताए, वो आपके पास आए, आपका प्रेजेंस उन्हें फील हो, लेकिन वो रीच आउट करने से डर रहे हैं। मे बी उन्होंने इसके पहले ट्राई किया और आपने बात नहीं करी, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उन्हें ना रिजेक्शन का डर है, ठीक है। काम तो करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, लेकिन वो रीच आउट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें डर है रिजेक्शन का। वो रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते, स्पेशली अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर देते हो तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो इसीलिए ये पर्सन रीच आउट नहीं कर रहे हैं। अकेले अकेले बहुत सैड हो रहे हैं, बुरा लग रहा है, आपकी याद आ रही है इस पर्सन को। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कई बार ट्राई किया रिश्ते को ठीक करना, रीच आउट करना, बात करना, लेकिन उन्होंने तब उस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग इट लिटरली, ठीक है। ये पर्सन बहुत यू नो दे वॉन्ट टू रीच आउट बट वो अपने आप को बहुत रोक रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो इंस्टेड वो क्या कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी वो करते हैं, स्टडी, जॉब, बिजनेस, जो भी करते हैं, दे आर फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स। क्योंकि क्या हो रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी और वो हो नहीं पा रहा है, तो उनके अंदर की जो एक एंग्जाइटी है वो बढ़ते जा रही है। चलिए देखते हैं अट्रैक्शन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है और बताइए इस कार्ड के बारे में डिवाइन, प्लीज गाइड करें। ओके, तो जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ये है एयर साइन, एंड सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। सी आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, इनको जेलस करने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हो, मे बी किसी के क्लोज जा रहे हो, किसी के साथ फोटो डाल रहे हो, या यू आर डूइंग समथिंग जो इस पर्सन को एंग्जाइटी दे रही है, जो इस पर्सन को डर दे रही है, ठीक है। या कोई गलत इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपके बारे में कि यार वो तो उसके साथ दिखी मुझे, वो तो इन्जॉय कर रही है, तू क्या कर रहा है, तू कि उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो बजाय कि उन्हें गुस्सा है, गुस्सा तो उन्हें डेफिनेटली आ रहा है, नफरत नहीं कह सकती मैं, बट मुझे लगता है कि इस पर्सन का और अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके लिए। दे वॉन्ट टू टच यू, दे वॉन्ट टू फील यू। वो आपके साथ जो मेमोरीज स्पेंड किए हैं ना, इस पर्सन ने जो एक मेमोरीज क्रिएट करे आपके साथ, टाइम जो स्पेंड किया है आपके साथ, दे वॉन्ट टू रीलीव इट, ठीक है। वो एक नई शुरुआत, एक आपको यू नो एक नए सिरे से जानना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। मैंने आपको बोला भी ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं एंड कुछ छोटे मोटे क्लैरिफिकेशन इनको करने हैं आपसे, ठीक है। अगर आप किसी के क्लोज फ्रेंड भी बने हो तो भी ये चीज़ इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जितना उनका गुस्सा भी बढ़ रहा है ना, उतना उनका अट्रैक्शन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है। व्हाट इज दिस असेसिंग कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, असेसिंग, और बताइए इसके बारे में डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, असेसिंग कार्ड के लिए क्लैरिफाई कर रहा है द सन कार्ड एंड द बॉटम में है फूल कार्ड, यस। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है दूर से देखकर, पहले बता दूँ ये लियो है एंड एरीज एनर्जी है, यहाँ से आपको उनको देखकर ऐसा लग रहा है वो तो मज़े में है, खुश है, इन्जॉय कर रहे हैं, हैप्पी है,
एंड यहाँ पे आपको लग रहा है कि वो तो खुश है, एंजॉय कर रहा है, हैप्पी है, ठीक है. तो दोनों को एक दूसरे के बारे में सेम चीज़ लग रही है, जो कि गलत फहमी है. या तो आप दोनों सच में ऐसा बिहेव कर रहे हो, शो कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं खुश हूँ, लेकिन दोनों भी खुश नहीं है, दोनों एक दूसरे को ही स्टॉक करते बैठे हैं, ठीक है. कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है. सेल्फ रिफ्लेक्शन ये कार्ड यहाँ पे क्यों है डिवाइन, और बताइए इसके बारे में. ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ कार्ड. यहाँ पे है स्कॉर्पियो और एरीज लियो सैगिटेरियस फायर साइन. देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी पर्सन 100% नहीं दे रहा था कनेक्शन में, टाइम पास की तरह एक्ट कर रहा था, प्यार तो था लेकिन बिहेव करना जैसे कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, राइट. वो पर्सन सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है कि मेरी फीलिंग्स क्या है, क्या मुझे खुद के अंदर कुछ बदलना चाहिए, क्या मुझे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, या फिर आई एम ओके, ठीक है. कोई तो यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस कर रहा है. पीस ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड करे. पीस ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, एंड बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पर्सन भले ही लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अपने काम में फोकस कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दे डूइंग एनीथिंग और एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, उन्हें आपका प्यार बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, और आपका प्यार इनके लिए जैसे सुकून है. ये जब थक जाते हैं काम से, ये जब बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल भी होता है ना इनका, दे मिस योर लव. और भले ही उन्होंने थर्ड पार्टी में जाके अपने आप को ढालने की कोशिश की या आगे बढ़ने की कोशिश की, नहीं हो पा रहे, दे आर फाइंडिंग दिस लव विद इन यू. ये मदरली प्यार उन्हें आपके अंदर ही फील हो रहा है, आप ही उनका सुकून हो. वॉट मोर, वॉट मोर, वॉट इज दिस फाइव फोर ऑफ कप्स ऑल अबाउट, क्यों है फोर ऑफ कप्स. ओके, तो ये करंट एनर्जीज है, राइट. तो अभी हम लोग फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं कि ये जो कार्ड्स आए हैं, ये फ्यूचर में क्या ट्रांजिशन होगा. फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज, फ्यूचर एनर्जीज क्या होने वाली है फॉर दिस फोर ऑफ कप्स. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और बॉटम में है द मून, पाइसीस. देखिए, भले ही ये पर्सन मुझे लगता है कि भले ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके नेग्लिजेंस को झेल नहीं पा रहे हैं, वो बहुत हर्ट करेगा इस पर्सन को आने वाले टाइम में, और ये पर्सन मुझे लगता है कि और ही ज़्यादा मिस करने लगेंगे आपको, और ज़्यादा उन्हें याद आने लगेगी आपकी, ठीक है. सो यस, जो भी अभी उनको एक थोड़ी बहुत हो रहा है ना, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी हो रहा है, वो बढ़ने वाला है, वो हर्ट और पेन में बदलने वाला है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को फ्यूचर एनर्जीज क्लैरिफाई करें. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड थ्री ऑफ कप्स बॉटम में है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस. यस, देखिए, जब आप सेल्फ लव करोगे, जब आप अपने दोस्तों के साथ घूमोगे, फिरोगे, इन्जॉय करोगे, आप इस पर्सन को जितना ऐसा दिखाओगे दैट यू आर हैप्पी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ दिखाओ, डेफिनेटली आपको हैप्पी भी होना है, रहना है. सेल्फ लव इस साल तो मुझे लगता है आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाना चाहिए. तो जब आप ये इन्जॉय करोगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, किसी और के साथ, दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू, उनके आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी. ओके, क्योंकि वो पर्सन आपको हैवीली स्टॉक करने वाले हैं फ्यूचर में भी, ठीक है. और ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ जाएंगे, और आपको पाने की जो एक इच्छा है इनके अंदर और ज़्यादा जागेगी. सन कार्ड क्यों है डिवाइन, का फ्यूचर एनर्जीज बताओ और क्या होगा. एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, एंड बॉटम में नाइन ऑफ कप्स है. यस, ये पर्सन मुझे लगता है खुद रीच आउट करेंगे, एंड ये नया ब्रांड न्यू इंस्पायर्ड ऑफर आपके सामने रखेंगे. एंड क्योंकि आप इनका विश फुलफिलमेंट बनने वाले हो, इनकी एक ही विश होगी कि आपको पाना और आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना. दे विल बी वेरी अट्रैक्ट, इनका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है आपके लिए इन द कमिंग टाइम. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज़. ओके, यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड बॉटम में फोर ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. यस, देखिए, कहीं ना मुझे लगता है कि इस पर्सन को आने वाले टाइम में ऐसा डाउट होने लगेगा कि कहीं आप सीरियस थे या नहीं थे, कहीं आप टाइम पास तो नहीं कर रहे थे, कहीं आप फ्लर्ट तो नहीं कर रहे थे सिर्फ, कहीं आपका प्यार झूठा तो नहीं था, ठीक है. या फिर वो अपने आप को एनालाइज करेंगे कि यार कहीं तेरा प्यार झूठा तो नहीं था, उसके पैसे देख के, उसकी ब्यूटी देख के सिर्फ तो अट्रैक्ट तो नहीं हुआ था. तो ये पर्सन ये चीज़ एनालाइज कर रहे करने वाले हैं कुछ आने वाले टाइम में कि वॉज दिस लव, क्या मुझे वो सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो ब्यूटीफुल है, उसके पास पैसा है, या ये है या वो है, वट एवर,
राइट, या उसको अटेंशन मिलती है, ठीक है? तो या तो वो खुद को एनालाइज करेंगे या तो आपको एनालाइज करेंगे कि आप क्या हो, व्हाट डू दे यू नो, वो आप में क्या पसंद करते हैं, वो सवाल अपने आप से पूछेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? फ्यूचर एनर्जीज बताइए प्लीज इसके बारे में। टेन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस एंड बॉटम में टावर कार्ड है स्कॉर्पियो। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए यू यू बोथ बिलोंग टू अ डिफरेंट कल्चर, या तो आप में बहुत कुछ मेजर डिफरेंस है, या तो आप शादीशुदा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली कल्चर बैकग्राउंड सब बहुत अलग है, एज गैप है, कुछ तो है, दिस समथिंग यू नो इनडिस्टिंक्टिव है यहाँ पे कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी डिस्ट्रक्शन कॉज किया है ना इस पर्सन ने, दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, खुद को परेशान किया, वो उससे बाहर निकलने की जद्दोजहद में लग जाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ होमली फील करते हैं, वो आपके साथ लाइवली फील करते हैं इमोशनली। टेन ऑफ कप्स के आगे कुछ नहीं है, सो ये फुल्ली सेटिस्फाइड स्टेट है जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि भले ही एंड रिजल्ट कुछ भी हो, या उन्हें जो भी डर लग रहा है ना फ्यूचर को लेकर, उसको ओवरकम करके ये पर्सन रीच आउट करने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी क्या है न्यू मून पे। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे जो व्यूअर हैं, उनकी एनर्जी क्या है, हमारे व्यूअर की एनर्जी क्या है न्यू मून के बाद, हमारे व्यूअर की एनर्जी, मेजर एनर्जीज बताइए क्या है। ओके, विजडम यहाँ पे नंबर 22 है, तो 4 भी होगा। यहाँ पे है ब्लॉसमिंग नंबर 33, तो यहाँ पे 6 भी होगा। एंड लास्ट है यहाँ पे 32 ट्रस्ट, तो 5 होगा। ओके, देखिए पहली बात, आपका मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। आपने कुछ नए गोल्स बनाए हैं नए साल में, नए कुछ ड्रीम्स आपने सजाए हैं, एंड आपको सेल्फ लव की अहमियत पता चल चुकी है। आप अपने आप पे भी ट्रस्ट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को आपने सरेंडर कर दिया, एंड आप ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे कि आपके लिए जो सही है वो आपको मिलेगा। यू ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, आपने एक्सेप्ट कर लिया चीज़ें कि जो होना है वो तो होगा ही, तो आप फोर्स नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो आप, जहाँ पे आप चीज़ों को ट्रस्ट कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, एंड फोकस अपने आप पे कर रहे हो। ओके, मुझे कुछ न्यू हैबिट्स, क्यों कुछ न्यू रिजोल्यूशन, कुछ न्यू आइडियाज़, आइडियोलॉजी आपके अंदर दिख रही है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, एंड आप अपने विजडम को फॉलो कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपका दिल कह रहा है, आप वो कर रहे हो जो आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी, ऐसे ही रही है, बिल्कुल भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। विजडम ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है करंट एनर्जीज में? यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड बॉटम में टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। देखिए कहीं ना कहीं आप अभी भी विश करते हो कि ये पर्सन आए, सॉरी बोले, या प्यार जताए, या एक्सप्रेस करे फीलिंग्स, और एक न्यू ऑफर आपके सामने रखे, क्योंकि आप भी बहुत याद करते हो इस पर्सन को, लेकिन यू आर नॉट श्योर नाउ, आप श्योर नहीं हो कि ये सब होगा भी या नहीं। सो यू आर जस्ट यू नो, आपने वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरीज जो इस पर्सन के साथ है ना, वो अपने बस दिल में संजो के रखी है, एंड दैट इज वो ही आपके हाथ में है इस वक्त। ब्लॉसमिंग ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने आपको बोला, एंड टेन ऑफ वॉन्ट्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरे साथ जो अच्छा होना है वो सही टाइम पे होगा, आप डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पीछे खींच रही है, जो आपको वे डाउन कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, आप उसको छोड़ रहे हो पीछे फॉर टाइम बींग, एंड आगे बढ़ रहे हो। ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड लक, यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड टाइम्स। ट्रस्ट क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड करिए, ये ट्रस्ट ये कारण हमारे व्यूवर के एनर्जी में क्यों आया है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यस, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बोल्ड मूव्स ले रहे हो, ठीक है? आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हो, एंड आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। आप मुझे बहुत ही रुथलेस एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है? कोई अगर आपसे मैसअप करेगा, आप उसको लेफ्ट राइट कट करने वाले हो, ठीक है? क्योंकि यू वॉन्ट योर स्टेबिलिटी नाउ। आप ऐसे ही लोगों के साथ, ऐसे ही रिश्तों में रहना चाहते हो जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ पे लॉन्गिविटी है, जहाँ पे कंसिस्टेंसी है, ठीक है?
आप किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को नहीं दुखाना चाहते, विच इज़ रियली गुड थिंग, अप्रिशिएट इट। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के लिए इस न्यू मून पे, क्या ध्यान रखना है उन्हें, प्लीज़ गाइड करें फॉर दिस कनेक्शन, व्हाट दे हैव टू रिमेंबर। ओके, सबसे पहला एडवाइस आपके लिए है डिटॉक्सिफाई। तो ये समय आपके डिटॉक्सिफिकेशन का है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके सोल ग्रोथ, आपके लाइफ पर्पस, आपके सोल पर्पस को जस्टिफाई नहीं कर रही है, जस्ट लीव इट। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक चीज़ों को अपने लाइफ से बाहर करना, अपने सिस्टम से बाहर करना, चाहे फिर वो दिल हो या दिमाग हो या बॉडी हो। नेक्स्ट यहाँ पे है स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो ये आपको बोला जा रहा है अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ें सोचे, अच्छी चीज़ें बोले और वही आपके रियलिटी में होने लगेगा। ठीक है, एंड लास्ट है यहाँ पे कूल योर इमोशंस। तो अपने इमोशंस को शांत करिए, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस अगर आउट ऑफ प्लेस है, यू नो, इधर उधर घूम रहे, आपके इमोशंस को एक जगह पे लाइए और शांत रखिए अपने आप को। ठीक है, सो या दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग, न्यू मून रीडिंग, ज़रूर कमेंट्स में बताना। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कॉमेंट शेयर करना, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।